We are on to the page number 51, right hand side, 2.11 वाला example हमको सॉल्व करना है जो आपकी बुक में दिया है. ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू दिस पहले तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें गिवन लिखना है. इतना आ रहा है हाँ. तो आज की तारीख क्या है, 18/7/23. ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 12th फिजिक्स एग्जाम्पल कौन सा है, 2.11 है ना, ये वाला हम लोग अभी कर रहे हैं. ठीक है, इसके अंदर अभी देखो हम लोगों को गिवन देखना है, द गिवन फिगर. देखो यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ है, और इसमें दो पॉइंट लिया गया है, ए एंड बी. ए एंड बी है, यस ए एंड बी है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है ये, ए एंड बी, ये ऐसा दिया हुआ है. अब ये तो डायग्रामेटिकली है, वर्ड्स में देखते क्या लिखा है. द गिवन फिगर शोज अ स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ नॉन विस्कस लिक्विड हैविंग डेंसिटी. तो यहाँ पर गिवन में क्या दिया है, डेंसिटी दिया है. ठीक है, डेंसिटी कितनी है बोलो, 1000 पर मीटर क्यूब. ऐसा यूनिट के हिसाब से कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद इससे बोला द क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया मतलब ए आएगा. ठीक है, तो क्रॉस मैं यहाँ लिख दूँ, नहीं तो ज़्यादा जगह चले जाएगी. एरिया, अरे गया रे बाबा, एरिया, एरिया क्या आएगा इसका बोलो, 2 सेंटीमीटर. अब देखो ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है, तो क्या हो गया, ये छोटा है. इसको अपने को किस में करना, ये छोटा है सेंटीमीटर, इसको अपन को मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब बड़े में कन्वर्ट करना है. वैल्यू छोटी आएगी मतलब डिवाइड होगा, यही अपन ने सीखे हैं. ठीक है, अब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एकदम सही, एकदम सही. ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर. मतलब क्या, मुझे इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, 2 × 10^2, ये 2 0 है तो 2 लगा दिया, लेकिन ये स्क्वायर है तो हाँ सॉरी -2, तो ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, -4. लिखना ज़रूरी है मीटर स्क्वायर, इतना समझा. ये देखो ये तो सिंपल है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है. तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर जितना है, एक 1 मीटर, 1 मीटर मतलब इतना, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 100 को हम लोग 10^2 भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद रखो, सेंटीमीटर छोटा है या मीटर बड़ा है, या मीटर छोटा है, सेंटीमीटर छोटा है या मीटर छोटा है, सेंटीमीटर छोटा है. तो याद रखो हम लोग छोटी वैल्यू को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं. जब कभी भी छोटी वैल्यू को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, ये जो हमारे को कंपैरिजन में आया है ना, उससे, उससे डिवाइड करेंगे, उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे. तो आंसर हमारे को छोटा आएगा, मतलब पॉइंट में आएगा. तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 / 100 करेंगे, 2 / 100. 100 को कैसा लिख सकते हैं, 10^2, तो मैंने लिख दिया 10^2. अगर मुझे अपॉन में नहीं लिखना है, आप चाहे तो ऐसा लिखो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अपॉन में नहीं लिखना है, मुझे ऊपर लेकर जाना पड़ेगा. अगर ऊपर लेकर जाओगा, डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर जाते हैं तो कैसा लिखते हैं, 2 × 10^-2. मगर यहाँ पर स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पर स्क्वायर डालना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर क्या है, इसके लिए -4 आया, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर डाल देंगे. ठीक है, तो ये समझ गया आप लोगों को. तो ये हो गया क्या, एरिया से रिलेटेड. हाँ, इसके बाद ये एरिया दिया है, एंड एट पॉइंट बी इज, अच्छा यानी कि दो एरिया है, यानी कि दो एरिया है, और ये पॉइंट बी भी बोल रहा है. पॉइंट बी का जो एरिया है वो ए टू कंसिडर करेंगे हम लोग, कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसको डायरेक्टली बोल देता हूँ मैं, 1 × 10^2 -4 मीटर स्क्वायर है ना.
ये आ जाएगा, कुछ भी नहीं चल रहा बराबर। इसके बाद आता है क्या, द स्पीड, स्पीड मतलब क्या, v, v इज इक्वल टू व्हाट, 5, कितना है 5, अबे 5 तो लिखा नहीं, 5 सेंटीमीटर पर, देखो अभी यहाँ पर भी क्या आ गया है, सेंटीमीटर आया है, ठीक है, यानी कि वो सेंटीमीटर के हिसाब से उसने वेलोसिटी को कन्वर्ट किया है, तो हम लोग को उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो क्या करेंगे, जल्दी बोलो, खत्म। तो ये क्या बन जाएगा, 5 × 10^-2 मीटर पर सेकेंड। बोलो इतना हो गया, ये हो गया वेलोसिटी, अरे खत्म हो रहा कि नहीं। इसके बाद बोथ द पॉइंट ए एंड बी आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी दोनों की हाइट सेम है, एच वन एन वन के हिसाब से, एक्चुअली अपने को डायरेक्ट एच लेना चाहिए। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एट ए एंड बी, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड करना पड़ेगा, और ये फाइंड में हम लोग क्या लिखेंगे, पी वन, पी वन मतलब क्या समझ लो, मैं लिखता हूँ प्रेशर ए और प्रेशर बी के बीच में का डिफरेंस, यानी यहाँ पर प्रेशर कितना है, यहाँ पर प्रेशर कितना है, हम लोग को ये फाइंड करना है, ये पी ए समझो, ये पी बी समझो, समझ में आया। अब डिफरेंस बिटवीन प्रेशर बर्नौलिस इक्वेशन के जरिए से ही फाइंड करेंगे। बर्नौलिस इक्वेशन क्या है, अभी देखो बर्नौलिस इक्वेशन फाइनल वाला जो है वो है पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन, है ना, ये सब है, आगे वो पी टू वाला है, ठीक है। अब हम लोग हमारी ज़रूरत के हिसाब से दो स्टेप पीछे जाएंगे और लेंगे क्या, ये फॉर्मूला हम लोग चाहे तो अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये तो फाइंड करना है, तो ये तो वैल्यू नहीं रहेगी, हाफ तो हाफ है, रो की वैल्यू दिया हुआ है, वी टू उसने नहीं दिया, अगर ये वी टू बोल रहा है तो वी टू नहीं दिया हुआ, यानी कि ये वी वन है, वी वन है अपने पास, रो है, जी तो होता ही है 9.8, और हाइट, हाइट दिया है क्या, हाँ इसको जीरो लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है या कांस्टेंट है, तो इसके लिए उसको जीरो ले लेंगे, बराबर है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली जीरो ले लेंगे। इन शॉर्ट हमको ये चाहिए, तुम लोग को समझ में आ रहा है, देखो जो फाइनल वाला है ना उससे नहीं मिलेगा, क्यों, उसमें डिफरेंस नहीं है, हाँ उससे है ना ऊपर का, ये वाला, क्यों, क्योंकि अपने को प्रेशर डिफरेंस चाहिए, तो एकदम फाइनल वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, तो दो तीन स्टेप पीछे आकर ये वाला जो इक्वेशन आया था अपन इसके ऊपर आ गए, लेकिन उसके अंदर पता चला कि हम लोग के पास v नहीं है, यानी v2 नहीं है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, बोलता है देखो, पहले अपने जो ए वन वी वन किए थे और A2 और V2 वाला जो किए थे एकदम पहला, हाँ उसके अंदर से ये 10^-2 आया, वो कैसा आ रहा है मैं वापस से करके बता रहा हूँ एक बार, यहाँ पर ध्यान दीजिए, A1 की वैल्यू क्या थी, अभी जल्दी जल्दी देखो, A1 की वैल्यू क्या थी, 2 × 10^-4, ये जो अपन ने यहाँ से लिए थे, ठीक है, इंटू V1 क्या, V 5 × 10^-2 अपॉन A2 क्या है, A2 1 × 10^-4, ये हो गया इज इक्वल टू वी टू, ये अपने लिए थे, हो गया। अभी ज़रा ध्यान से देखो क्या हो जा रहा है, हाँ चलो ये कट हो गया, ये इनकी मुराद है, हाँ ये हो गया 5 × 2 = ये वो 10 है, ये वो 10 है जो आया बस, हाँ ये वो 10 है, ठीक है, 5 × 2 = 10 कर दिए, और × 10^-2, और ये अपॉन वन है, इसके लिए उसको आगे सॉल्व नहीं किया उसने, और वी टू को हम लोगों ने ये वैल्यू दे दी है। अब समझ गया 10 × 10^-2 कैसा आया, तो वो ये वजह से आया। अब जरा ध्यान से देखो, ये 500 है, ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, ये कर रहा है, इसको कर दो 100 × 10^-4 ले लिया, माइनस 5 × 25 × 10^-4 ये ले लिया, ठीक है। अभी देखो ये एक अलग ब्रैकेट है ओवरऑल, ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, −4 − 4 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 500, ठीक है, और ये ब्रैकेट 100 माइनस
25 स्मॉल ब्रैकेट ले लो 10^-4 ऐसा किया है। अब अगर ये करेंगे ना तो हो जाएगा 100 में से ये कितना गया, कितना हुआ अभी, कितना हुआ 75 हो गया, फिर गड़बड़। ठीक है, सब सही, सब सही, ओके फाइन। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 500 75 0 0 5 5 25 0 1 2 7 5 7 5 35, ये हो गया 500 और ये हो गया 7, ये हो गया 3। आंसर आया 375 00 इंटू 10^-4, यही आंसर है। अब पॉइंट में आए तो पॉइंट शिफ्ट किया होगा उसने, 3 पॉइंट लाया तो 1 2 3 4 तो इज इक्वल टू पूरा 10 चला गया, तो कितना हो गया 3.75। और ये पास्कल इसने दिया हुआ है प्रेशर से रिलेटेड।